भारत के फेफड़ा कहे जाने वाला हसदेव जंगल ला बचाए के जोरदार प्रयास शुरू हो गया। जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी और छत्तीसगढ़ी क्रांति सेना मिलके कलेक्टर में लग ज्ञापन दी और पूरा प्रदेश भर में सबो जिला कार्यालय में एक के संग्रह जोहार छत्तीसगढ़ पार्टी के कार्यकर्ता मन पहुंचे और हसदेव ला कटाई के विरोध में ज्ञापन दे। कलेक्टर मल्ला राज्यपाल के नाम ज्ञापन दे हवे और ऐसे आशा करेगी हवे कि एक बाद हसदेव जंगल की कटाई पूरा तरह ले रोक दे जाए। नियम बर मनखे की मनखे बर नियम, ये बात ना बहुत गंभीरता से समझे के जरूरत है। होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। केंद्र सरकार होश में आओ, होश में आओ। कलेक्टर ला ज्ञापन सौंपे हैं, ज्ञापन एकर सेती सौंपे हैं काबर की आप मतलब पता है छत्तीसगढ़ के हसदेवला ये भाजपा के सरकार है सत्ता मिलते ही उजाड़ना चालू कर दे, छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करना चालू कर दे। आज इतना सारा पेड़ ला काटे जावा थे, एकर आने वाला समय में छत्तीसगढ़ ला छत्तीसगढ़िया मल्ला भुगते पर पड़ी। जिला है ते जिला के मुख्यालय में ऐसा ज्ञापन कई बार सौंपा हो गया मल्ला, उकर बावजूद भी जब कांग्रेस सरकार रही से तो वहू हा अनदेखना करी से और अभी वर्तमान के भाजपा सरकार है यहू अनदेख नहीं कर रहे थे। आप सोच के देखो ये हमला कौन भगवान के रास्ता देखा थे और जंगल है कौन भगवान आए, जंगल है ऐसे भगवान आए जिन हवा पानी हमला देवा थे, दवाई जड़ी बूटी देवा थे और कई जीव जंतु ला जीवन देवा थे, ऐसे भगवान ला छोड़ के हमला दूसर भगवान के रास्ता देखा थे। ये मल्ला ई भगवान है यू मल्ला ऐसे रास्ता देखा ही तो एक दिन नरक में जाही कहूं के नहीं रही ये मना। अभी समय रहते शेर जवाय जान जवाय और ये हसदेव के जंगल ला काटना बंद कर दे। अभी ये तीन दिन में 91 हेक्टेयर जो जंगल से ओला पूरा काट दिए है, वो समय जब हम छत्तीसगढ़ क्रांति सेना के मन हमन विरोध करत रहे के हसदेव जंगल मत काटो करके, तो यही बीजेपी के सरकार मन बोला कि मन तो कांग्रेस मन करवावा थे, तो जब वो खुद ही सत्ता में आ चुके हैं तो ये चीज ला बंद करना चाहिए। तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों जने मिल के पूरा छत्तीसगढ़ ला बर्बाद करने के बारे में सोच चुके हैं। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा इकलौता राज्य है जहाँ चार प्रकार के हमला मौसम देखे ला मिलते और कोनो राज्य में नहीं मिला। जब ये हसदेव जंगल कट जाही तो हमला जिसे दूसरा राज्य में सिर्फ दो ही मौसम देखे ला मिलते, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं रही कि हमला सिर्फ गर्मी और ठंडा ज्यादा देखे ला मिली। तो आप मतलब से मैं अनुरोध कर रहा था हमारे छत्तीसगढ़िया जितना भाई बहनी हवा तो मन आप मान स्कूल के सामने आवाओ और एक विरोध कराओ, अगर विरोध नहीं करिए तो आने वाला हमारे पीढ़ी है पूरी तरह से भुगती। और ये जो अडानी है भाई और जितना बाहरी प्रदेश से मन आए थे यहाँ सिर्फ कमाए बस आए है भाई, एक समय के बाद उमन कमाए के बाद उमन के जो पैसा जो कमाना चाहिए कमा रही होकर मत चले जाही तो भुगत ही सो हम छत्तीसगढ़िया मन ही भुगत हो। तो आप मन सभी भाई बहनी मन आवाओ सामने और खुल के विरोध करो और इतना ढेर सारा हमन के जो प्रकृति हवा है हमारे जंगल वंगल हवा तेला बचावो। जो हाँ छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना और जो हाँ छत्तीसगढ़ पार्टी है जो मुद्दा लेके आज हमारा आंदोलन करा था बन, ये हर एक छत्तीसगढ़िया के और छत्तीसगढ़ में निवासरत हर एक जनता के यह नैतिक अधिकार है। आज आप देख सकते हो ये राम राज्य के बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी जेन जहाँ से भगवान राम है अपन कदम लग निकाले हवे वहाँ पे आज वाला उजाड़े के काम भारतीय जनता पार्टी करत हवे। एक तरफ यह राम राज्य के बात करते और दूसरा डहार यह जंगल उजाड़े के बात करत हवे। Thank you.